नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे स्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है, लंबाई 14.5 इंच ली है। देखिए, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच 2 पॉइंट लिया है, गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले लेंगे। और देखिए, गहराई इसकी 11 इंच लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह गले का शेप दे देना है और नीचे से 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। तो ये 1.5 इंच पर हमने निशान बना दिया है और इस तरह से गुलाई दे देना है। अब देखिए, गले को हम बुकरम के ऊपर निकाल लेंगे। जहाँ से देखिए निशान है गले का, वहीं से इस पर बना लेना है। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह देखिए कट कर लिया है। अब इसे भी कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। अब सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जहाँ से ये गुलाई दिया है वहीं से सिलाई लगानी है, जहाँ से गुलाई का ये निशान बनाया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कट लगाएंगे और इस तरह पलटते हुए अस्तर के ऊपर एक सिलाई और लगानी है बिल्कुल किनारे से। अब अच्छे से बनाते हुए पूरे ऊपर सिलाई लगा लेंगे, साइड से भी और गले पर भी। तो नीचे की तरफ देखिए अच्छे से बना लेना है। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो ज़्यादा कपड़ा है उसे कट करके बराबर करना है। अब देखिए, जो ये गला कट किया है पेस्टिंग पेपर के ऊपर, उसे हमने कपड़े पर रख के पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, कपड़े पर अच्छे से प्रेस कर दिया है, तो ये अच्छे से कपड़े पर पेस्ट हो गया है। अब देखिए, साइड से हमने थोड़ा सा कपड़ा फोल्डिंग के लिए बचाया था, तो उस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देना है। उसके बाद अब देखिए, इसे कट कर लेंगे गले को।
आप देखिए इस तरह मिलाते हुए रखेंगे और गले पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद अंदर की तरफ इस तरह पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरह देखिए गला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इस पर डिजाइन बनानी है, तो उसके लिए देखिए इस तरह से कपड़ा कट करेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम कपड़े कि चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं लेंगे और लंबाई भी जितनी बड़ी है कपड़ा पट्टी लगेगी उतना ही कट किया है। तब देखिए इस कपड़े से पतली पट्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। दोनों साइड के अंदर को कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारे से एक सिलाई लगाएंगे और एक बराबर सभी पट्टियों को बनाना है, मोटी पतली नहीं करना है। उसके बाद देखिए अब पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर गले को मिलाते हुए रखना है और इस तरह से जहाँ से गला है वहीं से निशान बना लेना है। तो देखिए निशान बना लिया है। अब इस तरह से पट्टी को लगाएंगे, नीचे वाली साइड से गले को देखिए एक इंच छोड़ना है और 1 इंच छोड़ते हुए आधा आधा इंच की दूरी पर नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद आधा आधा इंच की दूरी पर इस तरह से पट्टी को लगाना है। तो पहले 4 पट्टियाँ इस तरह लगाएंगे, फिर उस साइड से बराबर से मिला लेना है और इसी तरह इस साइड से भी लगा देना है तिरछा करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच पर है, तो इस साइड भी ऊपर से 5 इंच पर निशान बना देंगे और यहीं से लगाएंगे, तो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से लगेंगी। और 1-1 इंच जहाँ से हमने गले का निशान बनाया है वहाँ से 1-1 इंच बाहर की तरफ इसे निकालना है सिलाई के लिए, जो सिलाई में जाएगी। और यहाँ पर भी नाप लेना है, गले का जो कॉर्नर आता है वहाँ से नाप लेना है 1 इंच। और नाप कर हमने निशान बना दिया है, अब इस साइड भी इसी तरह से लगा देंगे। देखिए दोनों साइड से लगा दिया है। अब गले को देखिए इस तरह से गले पर सेट कर देना है। तो यहाँ से जहाँ से देखिए निशान है वहीं से गले को रखना है और यहाँ पर देखिए हमने पिन लगा दिया है। अब दोनों साइड से इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो पेपर है न्यूज़ पेपर लिया है हमने, तो उसे निकाल देंगे और इस तरह ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह पूरे पेपर को निकाल लेना है।
तो देखिए हमने पेपर को अच्छे से निकाल लिया है। अब गले पर लेस लगाएंगे, गले वाली साइड से दो पॉइंट छोड़ते हुए लेस को पूरे गले पर लगा देंगे। तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है, नीचे की तरफ लगाना है। तो पहले इसका प्लेट बना देंगे, उसके बाद लेस लगा देंगे नीचे की तरफ भी। अब देखिए यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे जो हमें डोरी पर लगानी है। डिजाइन के लिए अब डोरी लगेगी, तो उस पर दोनों साइड पहले लटकन लगा लेंगे। तो इस तरह से लटकन को बना लेना है। तो देखिए डोरी ले लिया है और डोरी के दोनों साइड लटकन को लगा देना है। तो देखिए इस तरह दोनों लटकन लगा दिए। अब देखिए इस तरह डोरी को लगाना है। सबसे ऊपर इस वाली डिजाइन पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और फिर इस तरह से क्रॉस करते हुए इसे लगा देना है। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों डोरी को पकड़कर थोड़ी सिलाई लगा दी है। अब देखिए इन डिजाइनों पर जो डोरी क्रॉस की है जहाँ पर, वहाँ पर एक एक मोती लगाना है। तो तीन मोतियाँ इस पर लगेंगी। तो इस तरह से देखिए मोती को लगा लेंगे। तो देखिए डिजाइन हमारा बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।